गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम पाठ पढ़ेंगे कर दिया कमाल। पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी झूलन के जीवन पर बना है। झूलन नाम की एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उनकी आत्मकथा है। उन्होंने अपने बारे में इस पाठ में हमें बताया है कि वो कैसे इतनी प्रसिद्ध खिलाड़ी बनी थी, है ना। पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा, छोटे हम लोग जब बच्चे थे, छोटे छोटे, तब हम लोगों से कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यदि आप पढ़ाई लिखाई करोगे तभी आप अच्छे बन सकते हो, तभी आप जिंदगी में अपना नाम कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और यदि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, खेलते कूदते रहे, तो आप बड़े होकर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बनोगे खराब। ऐसा पहले कहा जाता था, लेकिन आज का जो समय है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज हमारे देश में, विश्व में, संसार में, हर जगह पर खेल को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को नए नए तरह के खेल सिखाए जा रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो खेल में आगे आए। खेलने से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। और आज के समय में क्या है कि खेलों के द्वारा पैसा भी कमाया जाता है। आप किसी खेल में भाग लेते हैं तो आपको उस खेल को खेलने के लिए पैसे भी मिलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए मम्मी पापा क्या कहा करते थे कि यदि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बड़े होके पैसे कैसे कमाओगे, और जब पैसा नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या, अपना जीवन कैसे चलाओगे। इसलिए हम लोगों को हमेशा ये कहा जाता था कि खेलना कूदना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ लिख कर आपको कुछ बनना है। यदि आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आज के समय में खेल कूद के द्वारा ही लोग बहुत प्रसिद्धि अर्जित करते हैं, बहुत सारा सम्मान पाते हैं। अभी हमने देखा ओलंपिक में जो बच्चे जीते हैं उन लोगों को मेडल मिले हैं, देश में आने पर उनका स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री जी ने खुद उनसे बातें करी, उनको प्रोत्साहित किया, अपनी तरफ से उन्हें घर पे बुलाया, पार्टी दी, तो कितना मान सम्मान हुआ। एयरपोर्ट पे जब आए तो उतने हजारों लोग उनकी अगुवाई करने के लिए गए, उनका स्वागत किया, उनके मम्मी पापा का नाम रोशन हुआ कि अच्छा ये उनका बच्चा है जो यहाँ गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो कितनी ज्यादा उनको उससे प्रोत्साहन मिला और उन लोगों को आगे बढ़ने की भी इच्छा हुई, पैसा भी कमाया, नाम भी कमाया। तो आज के समय में ये वाली बात गलत हो गई है कि यदि आप खेलोगे कूदोगे तो आप खराब ही बनोगे। खेल कूद के द्वारा भी हम पैसा कमा सकते हैं, मान सम्मान ले सकते हैं। खेलों में और भी कई तरह के रोजगार मिलने लगे हैं। जो अच्छा खेलते हैं उन लोगों को बड़े बड़े ऑफिस में सरकारी नौकरियां भी मिल जाती हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी मिल जाती है। तो यदि आप खेलना अच्छे से जानते हैं, आप किसी खेल में माहिर हैं, तो आप उसके द्वारा भी अपना मान सम्मान कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, है ना। और अपने साथ साथ अपने माता पिता का और अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। जब हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं और हम कोई मेडल जीतते हैं, जीत जाते हैं, तो हमारा नाम तो रोशन होता ही है। साथ ही में ये कहा जाता है ये किस देश का है, तो ये भारत का है। भारत में ही किस किसके माता पिता कौन है, ये इसके माता पिता ये है, तो हमारे मम्मी पापा का नाम भी रोशन होता है और हमारे देश का नाम भी रोशन होता है। तो हम खेल कूद के द्वारा बहुत सारे नाम कमा सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। इसलिए आज के समय में खेलने कूदने को बुरा नहीं कहा गया है। इसी तरह इस पाठ में एक झूलन नाम की व्यक्ति महिला है, झूलन गोस्वामी, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है, वो उस टीम की एक सदस्य रही है। किस तरह से उन्होंने टीम में प्रवेश पाया, कैसे उन्होंने खेलने में रुचि जगाई, किस तरह से वो उस खेल में आगे बढ़ी, इस खुले पत्र में झूलन ने खेलों के प्रति अपनी रुचि और रुझान को बताया है। ये जो पाठ है ये उन्होंने एक पत्र के रूप में लिखा है, कि जैसे वो हम बच्चों को, आप बच्चों को एक पत्र के माध्यम से बता रही हैं
कि उन्होंने क्रिकेट में यहाँ तक कैसे पहुंची, जब वो बच्ची थी उनके साथ क्या क्या परेशानियां आई, वो किस तरह से खेलना सीखी, कैसे वो इस खेल में आगे बढ़ी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इस पत्र के माध्यम से हम लोगों को बताई हैं। वो बताना चाहती हैं कि यदि आपके मन में किसी खेल के प्रति लगन है, आप चाहते हैं कि आप उस खेल में आगे बढ़ें, उस खेल में कुछ नाम कमाएं, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और यदि आप थोड़ी सी लगन और मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर जरूर मिलती है। तो इसी पाठ में हमको झूलन ने यही सब बातें बताई हैं। अपने बचपन से प्रसिद्ध खिलाड़ी होने तक की सारी बातें उन्होंने हमें इस पाठ में समझाई हैं। जब वो छोटी थी उन्हें किस तरह से कोच सिखाया करते थे, कैसे उनके मम्मी पापा उन्हें सहयोग करते थे, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग किस तरह से उनको हतोत्साहित करते थे कि क्रिकेट कोई लड़कियों का खेल नहीं है, क्रिकेट तो लड़कों का खेल है, ये तो अपने मन से ऐसा खेल खेलती है, ये कभी जीत नहीं पाएगी, ये पढ़ाई में भी पीछे रह जाएगी, इसको कुछ नहीं आएगा। इस तरह से कैसे उनके जीवन में कितनी सारी परेशानियां आई और उन सब परेशानियों से जूझते हुए, उन सारी परेशानियों से लड़ते हुए वो किस तरह से आज यह महान खिलाड़ी बन पाई, ये उन्होंने हमें बताया है। तो जितने भी खिलाड़ी हैं बेटा हमारे देश में, हर एक खेल में जो भी खिलाड़ी है या कोई भी है जो वहाँ बहुत ऊपर तक पहुँचता है, ऊंचाई तक पहुँचता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से इतनी ऊंचाई पे पहुँच गया, इतना पॉपुलर हो गया, उसको इतना मान सम्मान मिल गया। वहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, तब कहीं जाके हमें मंजिल मिलती है। तो आप लोगों को भी किसी भी परेशानी से कभी घबराना नहीं है। ये जो पाठ है हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमें कभी किसी परेशानी से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हमारे मन में किसी चीज के लिए लगन है, हम चाहते हैं कि हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमें मेहनत के साथ साथ हौसला रखना भी जरूरी है। यदि हम हतोत्साहित हो गए, लोगों की बातों में आ गए, लोगों की बातें मानकर यदि हमने अपने आप को पीछे हटा लिया, ये सोच लिया कि हाँ सब लोग ऐसा कह रहे हैं, यदि झूलन लोगों की बातें मान लेती कि क्रिकेट तो लड़कों का खेल होता है और वो क्रिकेट खेलना छोड़ देती तो वो आज क्रिकेट की इतनी महान खिलाड़ी नहीं बन पाती। ये सब बनने के लिए उन्होंने लोगों की बातों को अनदेखा किया, लोगों की बातों को अनसुना किया और अपनी मेहनत करती रही। उनके कोच ने भी जब देखा कि ये इतनी मेहनत करती है, सुबह से शाम तक पूरी तैयारी करती है, पढ़ाई भी कर रही है, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ने में बहुत सहयोग दिया और उनके कोच की मेहनत और उनकी खुद की लगन से वो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई। खिलाड़ी बनने के बाद उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिनसे हमें उन्हें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह एक लड़की आगे बढ़कर इस तरह के काम कर सकती है। झूलन ने क्या किया, उनके पत्र में उन्होंने हमें क्या संदेश दिया है, उनका पत्र किस तरह का है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।